नीमी वंशज, विजयश्री, विदर्भ नरेश, राजश्री महाराज जनक की प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हुए सभी वीरों को आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ। निमी वंशज, विजयश्री, विदर्भ नरेश, राजश्री महाराज जनक अपने मंत्रियों और सर्वजनों के साथ स्वयंवर मंडप में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ स्वयंवर मंडप की ओर आ रहे हैं। महाराज, अति उत्तम, महर्षि के स्वागत के लिए हम स्वयं जाएंगे। पधारिए राज ऋषि विश्वामित्र, आपका स्वागत है। आपके आशीर्वाद से मेरी पुत्री का स्वयंवर सफल हो और उसे उत्तम वर प्राप्त हो। सैनिक इन्हें महर्षि विश्वामित्र का शिष्य कह रहा है, किंतु ये तो देखने से राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता है, किंतु ये दोनों धनुष लेकर क्यों आए हैं? आप थोड़ी देर प्रतीक्षा तो कीजिए, सब ज्ञात हो जाएगा। इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? हमारे विदर्भ नरेश, महाराज जनक की पुत्री, स्वयंवर की नायिका जनक नंदिनी, राजकुमारी सीता अपनी बहनों के साथ सभा में पधार रही हैं। स्वामी, स्वयंवर को आरंभ करने की अनुमति दीजिए। महाराज जनक, स्वयंवर का आयोजन भले ही आपने किया है, किंतु इसके सूत्रधार कोई और नहीं, स्वयं नारायण हैं। वो हर स्थान पर विद्यमान हैं, यहां पर भी हैं। सब कुशलता पूर्वक संपन्न होगा। उपस्थित सज्जनों, हमारे महाराज राजर्षि जनक का न्योता पाकर हमारी राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए चक्रवर्तियों और उपस्थित सज्जनों,
हमारी इस पुण्य नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि महामुनि विश्वामित्र भी यहाँ पधारे हैं। मैं महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करता हूँ और उनके शिष्यों का भी। सज्जनों, आज यहाँ पर 56 देशों के राजा उपस्थित हैं और उनके स्वागत हेतु हमारे राज्य के कवि कविता पाठ करेंगे। जिस देश में सूर्य सबसे पहले उगता है, विजय की घटा जहाँ हर तरफ होती है, सिंध विद्या और कलिंगा और वंग संगमों का यह देश युग में एकमात्र है, सिंहों की यह भूमि वीरों की भूमि है, कौन कान कोडगु कौशल और कश्मीर, सिंहराज कलिंगा और नेपाल नरेश, बंगाल गंधार पांचाल और साढ़ुगर, महान द्रविण और मराठा, पप्पर गुजर यवन और विराट, शांति प्रिय न्याय प्रिय कम्बोज आदि आदि 56 महान देशों के राजा सीता स्वयंवर सफल करने हेतु पधारे, इसलिए हार्दिक रूप से उनका स्वागत करते हैं। उपस्थित अतिथियों, प्रिय सभासदों, मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए मेरा न्योता पाकर यहाँ आए नरेशों, आपके सम्मुख जिस शिव धनुष को आप देख रहे हैं, आप उसका महत्व बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जो वीर इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री उसे ही वरमाला पहनाकर अपना स्वामी स्वीकार करेगी। यही स्वयंवर का उद्देश्य है। अब इस स्वयंवर में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आगे आ सकते हैं और शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। महाराज सूर्यसेन पधार रहे हैं। अवंती नरेश पधार रहे हैं। सोनपुर नरेश पधार रहे हैं। कीर्तिपुर नरेश पधार रहे हैं। ये धनुष हिलने वाला नहीं है, वज्र है वज्र। इसे उठाकर अपने प्राण त्यागने से अच्छा है कि हम अपने देश की ओर प्रस्थान करें। इतनी बड़ी सभा में क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला एक भी वीर नहीं? राम, तुम दिखा दो कि तुम कौन हो। मुनि विश्वामित्र जी, ये हम जैसे राजाओं के लिए किया गया स्वयंवर है, इसमें एक मुनि के शिष्य भाग ले, ये हमारे लिए घोर अपमान की बात है। इसमें तो हम जैसे राजाओं को भाग लेना चाहिए। महाराज, क्या किसी मुनि के शिष्य राजकुमार नहीं हो सकते हैं क्या? ओहो, लगता है कि आपने
गुरुकुल में प्रवेश नहीं लिया और सीधे राजा बन गए हैं है? ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार श्री राम हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सारी योग्यताएं इनके पास हैं। राम, तुम शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। सीता, सीता, दीदी, 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 करुणा मूर्ति कौशिक महामुनि, आप इस प्रपंच में सबके साथ मित्रतापूर्व व्यवहार करते हैं, इसीलिए आपको विश्वामित्र कहा जाता है। किंतु आज आप हमारे कुल के लिए विश्वामित्र नहीं, आप हमारे कुल के लिए स्वयं देवता बनकर आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। महाराज जनक,
ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कौन सा महान कार्य कर दिया? ऐसा मत कहिए ऋषिवर। सुनिए, धर्म की रक्षा करने वाला पुरुष ही सीता का पति होगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, किंतु मेरे द्वारा आयोजित स्वयंवर में कोई भी विजय नहीं हुआ। ऐसे में उसके लिए पति का चयन कैसे होगा, यह विचार कर मैं चिंतित था। और उसी समय आप हमारे भगवान की भांति राम को लेकर यहां पधारे और स्वयंवर को संपन्न किया। राम ने केवल शिव धनुष नहीं तोड़ा, किंतु सीता के विवाह के संदर्भ में मेरी जो भी चिंता थी उसे तोड़कर मुझे भी निश्चिंत कर दिया। आप राम को नहीं लेकर आते तो ये संभव नहीं था। जनक जी, संसार में जो कुछ भी होता है सब विधि के अनुसार पहले से ही निर्धारित होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। इसके अलावा राम नाम के इस अवतार को यहां पर लाकर सीता नाम की एक शक्ति से मिलवाने के लिए मुझे और आपको उस विधि पुरुष का धन्यवाद करना चाहिए। कौशिक मुनि, एक प्रार्थना है। स्वामी, दशरथ का रघुवंश बहुत उच्च कुल है, हमारा वंश भी उन्हीं के अनुमात श्रेष्ठ है। दोनों कुलों के मेल का ये अच्छा अवसर है, इसलिए हमारी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कराने की कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए। इतना ही नहीं महर्षि, जनक के अनुज एक उत्तम व्यक्ति हैं। मेरा सुझाव है कि उनकी दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनका विवाह राम के दो छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। साथ ही कल अयोध्या और मिथिला में एक ही ध्वज लहराएगा। गंगा तट पर होने वाले मंगल चरण की गूंज सूर्य के तट तक प्रजा के सभी लोगों में पहुंचेगी। अति उत्तम विचार है। हे राजा जनक, यज्ञ भूमि से प्राप्त सीता का नक्षत्र मुझे बता सकते हैं? उत्तम नक्षत्र? उत्तम नक्षत्र किसी भी कन्या के लिए ये श्रेष्ठ नक्षत्र है, इसीलिए आज के ही इस शुभ मुहूर्त में सीता और राम के विवाह का निमंत्रण आप दशरथ को भेज दीजिए। उनके यहां आते ही बात करके आपकी अन्य कन्याओं का विवाह भी उनके अन्य पुत्रों से करने का प्रस्ताव रखूंगा। धन्यवाद।